नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। बिहार में नई नई नियुक्ति लगातार आ रही है और पंचायत लेवल पर अब 13,000 नियुक्ति की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें 350 ऑडिटर के पद होंगे जो कॉमर्स वाले के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्शन वाइज बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे पास जो डेटा है इसके मुताबिक आईटी सहायक जो लोग बीएससी आईटी एमएससी आईटी कर रखे हैं, बीसीए एमसीए भी हैं, उनके लिए 2,096 पद लाए गए हैं। तकनीकी सहायक के भी तकरीबन 2,000 पद हैं। कार्यपालक सहायक के 8,300 पद हैं और ये सारे पद पंचायती राज सिस्टम में रखा गया है। इसमें पंचायती राज में जलापूर्ति योजना क्रियान्वयन के लिए भी बहुत से पद लाए गए हैं। इसके लिए एक बिहार में रिटेन टेस्ट ली जाएगी। रिटेन टेस्ट में बिहार का जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा बिहार में टीचर की वैकेंसी भी आ गई है, जिसमें 1,40,000 नियोजित शिक्षकों की बहाली की जा रही है। इसके अलावा बिहार विधान परिषद में सचिवालय सहायक की भी नियुक्ति आ चुकी है। बिहार में लगातार नियुक्ति आ रही है। सिपाही और दरोगा के भी 29,000 पद निकाले गए हैं, यानी कि सारी नौकरी बिहार में कोशिश की जा रही है कि 2019 के अंत तक में आ जाए। और इसी तर्ज पर झारखंड में भी आने वाले समय में वैकेंसी आएगी। फिलहाल झारखंड में दरोगा के और सिपाही के दोनों के मिलाकर के 18,000 से 19,000 पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसके अलावा बिहार में अब ये भी चीज़ें लाई गई हैं कि हर वर्ष सिपाही की नियुक्ति की जाएगी। 2019 से ये लागू हो रहा है कि सिपाही की नियुक्ति हर साल होगी, 2020-21 में भी होगी और टेट एग्जाम भी हर वर्ष होगा। ये सारी सुधार हो रही है, लेकिन हालांकि ये बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा, इसलिए कि नवंबर दिसंबर में चुनाव है। हो सकता है कि सरकार चुनाव को देखकर इस समय सारी रणनीति बना रही हो, लेकिन उम्मीद एक की जा रही है कि आने वाले समय में एग्जाम लगातार झारखंड और बिहार में होगा। और अगर आप इस समय तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो आपको ये सारी वैकेंसी मिलने लगेगी। बिहार सरकार के वेबसाइट में जाकर के 13,000 नई बहाली की भी जानकारी आप ले सकते हैं, जिसमें खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहाली आई है, जिसमें कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक क्लर्क के अलावा तकनीकी सहायक और आईटी सहायक के पद हैं और ऑडिटर के पद लाए गए हैं, जो 350 से सब मिलाकर के 13,000 पद हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी नौकरी जरूर लगेगी। और जीएपीएससी से भी अच्छी खबर आ जाई है कि इसकी मेंस के रिजल्ट भी सितंबर महीने तक आ जाएगी। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको बता दें कि आप विनेज आईएएस अकेडमी के शिमला, दिल्ली, जमशेदपुर और रांची सेंटर में आप सीधी बात कर सकते हैं आकर के, और कोई भी जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।